नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हमने बनाया मकई चूड़ा। रिजल्ट आपके सामने, सामग्री बहुत कम लगती है, खाने में बहुत लाजवाब है, तो प्लीज आखिरी तक वीडियो देखना है। तो चलो फिर ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकई चूड़ा बनाने में क्या क्या सामग्री लगने वाली है दोस्तों, मैं आपको एक पेज देने वाली हूँ, वहां से आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर हमने मकई पोहा लिया है दोस्तों। ये दुकान में, किराना दुकान सब जगह मिल जाता है, ये हमें ढूंढने की जरूरत है, सबके यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया हुआ और इसको मैंने छन्नी से छान लिया, जो भी बारीक छोटे कण होते हैं वो निकल जाते। तो ये 250 ग्राम मैंने यहाँ पे मकई पोहा लिया हुआ है। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग चूड़ा बनाने वाले, यानी कि मकई चूड़ा, एकदम स्पेशल यानी बहुत स्पेशल। जैसे आप मार्केट में जाते हो, दुकान में जाते हो, हलवाई जहाँ पे आप जाते हो, तो उनका चूड़ा कितना परफेक्ट बनता है, हमारा बनता भी नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊँ कि कैसे बनाया जाता है, क्या नहीं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने शक्कर ली है दोस्तों, और इसको मैंने मिक्सी में पीस ली हुई है, और यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के हिसाब से इतने बड़े वाले 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है शक्कर। इसको मिक्सी में पीस ले, इसे हमने पीस लिया हुआ, तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने शक्कर ले लिया हुआ है। और इसके साथ हमने डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। ये हमारा मकई चूड़ा यानी पोहा का ये मसाला हम लोग बना रहे। इस तरीके से आप बनाओगे तो 101% बोलिए एकदम परफेक्ट, यानी परफेक्ट चूड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डालना है 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। सिर्फ कलर आती है, तिक्खी थोड़ी भी होती नहीं, तो वो भी हम इसके साथ ही डाल देना है। यहाँ पर हमने डालना 1/2 चम्मच हल्दी, और स्वाद अनुसार हम यहाँ पे डालेंगे नमक। इसके साथ ही डालना है स्वाद अनुसार नमक। अभी हम इस मसाले को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेना है दोस्तों। ये मसाला खाने में बहुत टेस्टी है, इस चूड़े में आप डालोगे तो बच्चे लोग तो मांग मांग के खाएंगे। अभी बारिश भी है तो हमें इसे छोटी मोटी भूख लगती है, तो हमें इसे चूड़ा वगैरह खाते हैं। पर मैं आपको लगा चलो इस बात में आपको एकदम स्पेशल चूड़ा बनाओगे, जैसे आप सब जन खुश हो जाओगे, यार क्या चूड़ा है, क्या क्या एकदम एक नंबर, मार्केट से भी बहुत बेहतरीन यानी बहुत लाजवाब चूड़ा है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोस्तों। कभी भी चूड़ा करते समय पहले हमें पहला स्टेप हमारा है मसाला पहले बना लेना है। मसाला बनाने से क्या होता है, ये मसाला बन जाता है, बाद में हम इसको फ्राई करते समय में जैसे हमें फ्राई करते वैसे ही गर्मा गर्म ये मसाला हमने डालना है, यानी ये मसाला चूड़ा में डालना है इसी तरह से। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते क्या करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल रखने को रख लिया, यानी कि गर्म ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल थोड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग चूड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे गरम ऑयल हो चुका है, यहाँ पे छन्नी मैंने ले ली, इसके साथ हमने थोड़ा हल्का सा मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैंने मूंगफली ली दोस्तों कच्ची वाली, और यहाँ पे मैंने इसे डालना है, इसको ऐसे करते जाना है, और चमचे के साथ ऐसे इसको एकदम क्रिस्पी हमें इसको फ्राई करना है। जैसे हम लोग चूड़ा बनाएंगे तो दांतों में आएगा, तो इसकी जो स्वाद होता है मूंगफली का बहुत बढ़िया आता है, यानी बहुत बढ़िया। तो इसे हमें इसको फ्राई करना है, मूंगफली को छन्नी में रखना है, और चमचे के सहायता से इसको ऐसे चलाते जाना है, यानी एक जैसे इसका कलर भी आता है और एकदम खाने में मजेदार लगता है, ना कि क्रिस्पी, देख रहे हो इसी तरह से। और मूंगफली की आवाज आ रही है, देख रहे हो तड़ तड़, वाव। इसे बीच बीच में इसको ऐसे उटक पुटक करते रहना है इसी तरह से, तो हमें समझ में आता है, और एक जैसी हमारी मूंगफली फ्राई हो जाती है। ज्यादा भी इसको हमें जलाना नहीं, खाली इसको फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक करना है। वाव, अभी ये हो गई है, देख रहे हो इसके छिलके भी निकल गया, और एक मूंगफली के 2 मूंगफली हो रही है। तो इससे समझ में आती है हमारी मूंगफली एकदम क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और बाकी का जो है तो वो भी मूंगफली में इसे फ्राई कर लेते हैं, जो बची हुई थी वो भी फ्राई कर लेना है। अभी यहाँ पर हमारी मूंगफली तो हो गई, यहाँ पे हमने मीठे कड़ी पत्ते लेने, कड़ी पत्ता थोड़ा ज्यादा ही लेना, जो इसको जो क्रिस्पी ने करारे पर बहुत अच्छा लगता है वो डाल देना है। वाव, एकदम करारे यानी एकदम कुरकुरी होनी चाहिए हमारे कड़ी पत्ता मीठे वाले, ये कम ज्यादा डाला तो भी चल जाता है, पर थोड़ा ज्यादा ही लेना है, जो इसके फ्लेवर होते हैं दोस्तों बहुत परफेक्ट आते हैं। आवाज देखना है, वाव है ना, तो इसी इसको भी एक साइड में निकाल लेना है हमें। अभी यहाँ पर हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है और कड़ी पत्ता भी फ्राई हो गया। अभी इसको गैस की फ्लेम हमें हाई चाहिए, धीमी आंच पे हमें चाहिए नहीं। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पे मकई का पोहा डालेंगे, और तुरंत इधर देखो एकदम कड़क ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल थोड़ा भी नहीं चाहिए, देख लो एकदम तुरंत फूल के आता है ये इसी तरह से। अभी हम इसको निकाल लेना है, ज्यादा रखोगे तो ये एकदम जल जाएगा, रिजल्ट आपके सामने।
तो बाकी का सारे ही हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैं और एक बार बताऊंगी दोस्तों, और एक बार मैं बताऊंगी, कड़क यानी बहुत कड़क ऑयल है, जितना कड़क ऑयल होगा ये इतना ही हमारा पोहा चूड़ा क्रिस्पी बनेगा, फुल डबल जाएगा। बहुत सारे नरम होता है, फिर हमारा चूड़ा जैसे चाहे वैसा रिजल्ट मिलता नहीं, यानी कि मार्केट जैसे कड़क ऑयल जैसे कि आप देख रहे हो। मैं और एक बार अभी इतना में डाले और ये तुरंत फर फर ऊपर आ रहे हैं, देखो देख लो। इसी तरह हमें ज्यादा मेहनत भी लगती नहीं, कुछ नहीं, और जल्दी से जल्द से ये चूड़ा हमारा हो जाता है। देखो कितना डबल फूल के ऊपर आ गया, अभी हम इसको निकालेंगे, एकदम है ना डबल डबल हो गया है ना। इसी तरह से हमें बाकी का सारा ही हम इसे पोहा चूड़ा फ्राई कर लेते हैं। अभी जैसे ही हमने ऑयल में से निकाला तुरंत, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मूंगफली लिया हुआ है और कड़ी पत्ता, इसको साथ में मिक्स कर लेना हमें इसी तरह से। और जो मैंने मसाला लिया था वो मसाला में इसे ऊपर से स्प्रिंकल करना है इसी तरह से, देख रहे हो गरम गरम इसमें हमें यहाँ पे करना है, ठंडे में करना नहीं, उसको इसे करना है। वाह आवाज देखना एकदम कितने डबल है ना, मार्केट जैसे। आप किधर घूमने गए दोस्तों, कहाँ पे गए तो लेके जा सकते हो। और कभी यहाँ पे आपको मूंगफली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो भी आप इसको फिर सिर्फ नमक भी डाल सकते हो। इसमें और मसाला लगने वाला है, क्योंकि कलर मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाली थी, तो थोड़ा कलर तो आना ही चाहिए दोस्तों, है ना। खास करके बच्चे लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये पसंद है। आवाज वाव, चमचे से हिला लेती हूँ यानी मिक्स कर लेती हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर लेती हूँ। कलर जैसा मुझे चाहिए वैसा ही आ गया, एकदम ऐसा लग नहीं रहा कि हमने घर पे बनाया, दुकान में से लेके आया। आज इतना भी लेने जाओ तो कितना महंगा आता है ना, तो घर पे ही बनाना एकदम सस्ते में बन जाता है और अच्छा भी बन जाता है। तो इसे देख रहे हो, इसी तरह हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चूड़ा को। अभी यहाँ पर हमने प्लेट ले ली, अभी यहाँ पे हम लोग चूड़ा डालेंगे। आवाज वाव, एकदम नमकीन नमकीन आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, तो किस बार की देरी है आपको, फिर घर पे बनाना है और मुझे कमेंट करना है, लाइक करना और शेयर करना है, और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। अभी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सर्विसिंग प्लेट में जरा ले लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया एकदम परफेक्ट चूड़ा। अभी मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी यानी क्रिस्पी। बहुत सारा हम लोग चूड़ा बनाते हैं दोस्तों नरम हो जाता है, तो हमें जैसे चाहिए वैसे फ्राई नहीं। तो आपने तो पूरा मेरा वीडियो देखा, मैं तोड़ के भी बता देती हूँ। आवाज देखना है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम मस्त। तो हाँ दोस्तों ऐसे ही लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन में भी क्लिक करना है। धन्यवाद दोस्तों।